नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। कल से रामायण पर चर्चा प्रारंभ की है तो आज उसको जारी रखेंगे और रामायण पर कुछ बोलने से पहले रामचंद्र जी को प्रणाम करेंगे। आप सब दोहराइए हमारे पीछे रामम रामानुजम सीता भरतम भरतानुजम सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। हम प्रणाम करते हैं भगवान श्री राम श्रीमती सीता देवी को, रामचंद्र जी के भाई भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न को, उनके मित्र श्री सुग्रीव जी को और उनके परम भक्त वायुपुत्र हनुमान जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा। तो कल चर्चा प्रारंभ की थी रामायण पर, रामायण का थोड़ा सा इतिहास, कितने संस्करण हैं, अलग अलग संस्करण हैं और अलग अलग संस्करणों में कुछ अलग अलग बातें दी गई हैं। केवल भारत में ही नहीं, देश के बाहर भी रामायण बड़ी प्रसिद्ध है। और चर्चा हम लोगों ने की कि कैसे वाल्मीकि मुनि, वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ कैसे हुआ, या जब हम लोग देखते हैं कि अध्यात्म रामायण उसमें कैसे प्रारंभ हुआ, पद्म पुराण में कैसे प्रारंभ हुआ, ये कल हम लोगों ने चर्चा की। हम लोग कल ये चर्चा यहाँ तक कर चुके हैं कि दशरथ महाराज यज्ञ करने के लिए तैयार हैं, तो ऋषि श्रृंगे की कथा हुई कि कैसे ऋषि श्रृंगे को लाया गया और अब दशरथ महाराज यज्ञ के लिए तैयार हैं। तो यहाँ तक हम लोग कथा कर चुके हैं तो अब इसके आगे कथा करेंगे। कल हमने कहा था कि प्रारंभ करेंगे भगवान अवतार क्यों लेते हैं इसके कारणों से। कुछ कारण इनमें से शिव जी पार्वती जी को बताते हैं, कुछ कारण हम लोग भगवद गीता से जानते हैं। तो भगवान के अवतार के क्या कारण हैं? पहला कारण भगवान के अवतार का है कि वो धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। धर्म की स्थापना या धर्म भगवान बनाते हैं या भगवान देते हैं, उसका प्रचार साधु करते हैं। साधु धर्म को बनाते नहीं हैं या धर्म की स्थापना नहीं करते। इसीलिए शिला प्रभुपाद बारंबार हमें समझाया करते थे हम लोगों को कि धर्म क्या है। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म वो है जो भगवान ने बना दिया, हमें केवल उसको दोहराना है। जो भगवत गीता में भगवान ने कहा वो धर्म है, उसको दोहराना है। तो ये साधुओं का काम है। तो भगवान आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। दूसरा कारण हम सब बड़े जानते हैं आसानी से कि वो असुरों का वध करने, राक्षसों का वध करने, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का नाश करने भगवान आते हैं।
तीसरा कारण, भगवान आते हैं इस धराधाम पर ब्राह्मणों की, पृथ्वी की, गायों की और देवताओं की रक्षा करने के लिए। गो ब्राह्मण हिताय च, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान यहाँ आते हैं इन सब की रक्षा करने के लिए। तो क्या भगवान पक्षपात करते हैं, असुरों को मारने आते हैं और देवताओं की रक्षा करते हैं? तो ऐसा क्यों करते हैं? भगवान तो सबके लिए समान है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः, कोई मुझे प्रिय नहीं है और किसी से मैं द्वेष नहीं करता, सबके लिए मैं समान हूँ। तो फिर क्यों आते हैं? देवताओं को बचाने के लिए और असुरों का वध करने के लिए। भगवान दोनों का उद्धार करने के लिए आते हैं, असुरों को मारकर उनका उद्धार करते हैं और देवताओं को बचाकर उनका उद्धार करते हैं। या दूसरी दृष्टि देखनी चाहिए कि कभी कभी असुर ज़्यादा भाग्यवान होते हैं, क्योंकि जैसे हम देखते हैं जब कृष्ण आए तो उन्होंने पूतना का वध किया, पूतना का वध करके उसको सीधे गोलोक में धात्री का स्थान दे दिया। उद्धव इस बात को दोहराते हैं, जब आगे चलकर वो मिलते हैं विदुर जी से तो उद्धव दोहराते हैं इस बात को, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघ्राम सयापायदप्य साधवी लेभे गतिम धात्रे उचितम ततोन्यो कम वा दयालु शरणम ब्रजेम। तो उन्होंने पूतना को धात्री का स्थान दिया अपने धाम में, इंद्र को नहीं दिया। इंद्र की रक्षा करने आते हैं लेकिन इंद्र को वो स्थान नहीं दिया, पूतना को दिया। तो कभी कभी असुर ज़्यादा भाग्यवान निकलते हैं, इसलिए हमें ये नहीं मानना चाहिए कि भगवान पक्षपात करते हैं, दोनों का उद्धार करते हैं। तो इसीलिए भगवान आते हैं। और फिर भगवान आते हैं वेदों की जो महत्व है उसको बनाए रखने के लिए। भगवान जब भी आते हैं तो वेदों के जो नियम हैं, शास्त्र के जो नियम हैं, उसको बनाए रखने के लिए आते हैं, और जो शास्त्र के विरुद्ध जाते हैं फिर उनको दंड देते हैं। तो इसलिए भगवान वेदों की रक्षा करने के लिए आते हैं। जैसे हमने देखा है कि जब ब्रह्मा जी को थोड़ी सी नींद आ गई, वेद चुरा लिए हयग्रीव नाम के राक्षस ने, तो भगवान ने वध किया। तो वेदों की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। ऐसे अलग अलग बहुत सारे कारण हैं। साथ ही साथ भगवान आते हैं इस भौतिक जगत में अपने लीला का प्रदर्शन करने के लिए, जैसे कृष्ण आते हैं तो आध्यात्मिक जगत का एक प्रदर्शन मात्र करने के लिए, केवल दिखलाने के लिए यहाँ के बद्ध जीवों को कि देखो क्या है आध्यात्मिक जगत, भगवान यहाँ पर आते हैं। कहना चाहिए एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कि ये देखो ऐसा है, यहाँ आए भगवान ने लीला की, आनंद ही आनंद लिया, उनके साथ सारे भक्तों ने आनंद लिया, और उसको देखकर जो लोग इस जगत में फंसे हुए हैं उन लीलाओं को सुनकर, उन लीलाओं को श्रवण करके, स्मरण करके वहाँ जाने की कामना करते हैं। तो भगवान आते हैं अपने धाम का गुणगान करवाने के लिए, एक धाम को एक प्रकट कराने के लिए कि देखो कैसा है मेरा धाम। तो भगवान इसलिए इस भौतिक जगत में आते हैं। कभी कभी भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं, जैसे जय विजय यहाँ पर आए हुए हैं तो बराहदेव आते हैं या अन्य रूपों में आते हैं, उनके साथ कुछ आनंद लेते हैं और फिर चले जाते हैं। और एक कल्प में भगवान आते हैं किसी श्राप के कारण, नारद मुनि के श्राप के कारण। तो ये कथा आती है कि नारद मुनि तपस्या कर रहे थे, बड़ी कठोर तपस्या, इंद्र को भय हो गया। जब भी कोई इस जगत में तपस्या करता है सबसे ज़्यादा भयभीत इंद्र होते हैं, क्योंकि उनको अपने सिंहासन से बड़ी आसक्ति है, ये छूटना नहीं चाहिए, पकड़ कर रखते हैं सिंहासन को। तो उन्हें लगता है कि अगर कोई भी तपस्या कर रहा है तो कल को मेरा पद ले सकता है। तो इंद्र को कष्ट हो गया,
तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ भी हम शास्त्र में देखते हैं, जहाँ जहाँ जिस जिसने तपस्या की, इंद्र ने भंग करने का प्रयास किया। विश्वामित्र जी ने तपस्या की, इंद्र ने भंग करने का प्रयास किया। शिव जी की भी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया। नर नारायण की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया। तो इंद्र किसी को नहीं छोड़ते हैं। हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग भी ब्रह्मचारियों के रूप में, सन्यासियों के रूप में थोड़ी बहुत तपस्या करते हैं, तो इंद्र बाधा क्यों नहीं डालते हैं? इंद्र कोई भेजते क्यों नहीं है अपने, क्या बोलते हैं, अपने धाम से या अपने स्वर्ग लोक से? इंद्र, रंभा या मेनका, उर्वशी, हम लोग भी थोड़ी बहुत तपस्या कर रहे हैं, तो क्यों नहीं होता है? वो इसलिए नहीं होता है कि हमारी तपस्या भी उस स्तर की नहीं है जिससे इंद्र को चिंता हो जाए। तो ये तो इंद्र देखते भी नहीं है, छोटे मोटे लोग। जब हमारी तपस्या बड़ी तीव्र हो जाएगी तब इंद्र ध्यान देंगे, अरे कौन है ये जो अच्छी तपस्या कर रहा है। तो इंद्र दुखी हो गए और उन्होंने फिर कामदेव को भेजा कि जाइए ये नारद मुनि को जरा प्रभावित करके आइए। तो कामदेव आए और उन्होंने अपने तीर चलाने शुरू किए, प्रभावित करने का प्रयास किया। नारद मुनि तपस्या कर रहे हैं, नारद मुनि इतना भी प्रभावित नहीं हुए, जरा सा भी प्रभावित नहीं हुए, हार गए कामदेव नारद मुनि के आगे। फिर चरणों में गिर पड़े, क्षमा कर दीजिए। तो नारद मुनि को कोई क्रोध नहीं आया। शिव जी को क्रोध आ गया तो शिव जी ने तो जला दिया था, तो नारद मुनि को कोई क्रोध नहीं आया। कोई बात नहीं, जाओ, तुम अपना कार्य कर रहे थे, अपना कर्तव्य कर रहे थे, इंद्र के आदेश पर आए थे, जाओ, कोई बात नहीं। तो क्षमा कर दिया। तो जब ये हुआ, उसके बाद नारद मुनि के मन में थोड़ा सा अहंकार आ गया कि मैंने कामदेव को परास्त कर दिया है। तो ये जब अहंकार नारद मुनि के मन में आया, तो वो एक समय शिव जी के पास आए और शिव जी को बखान करने लगे, कहने लगे कि मैं तपस्या कर रहा था, कामदेव आए और मैं क्रोधित भी नहीं हुआ, मैंने परास्त कर दिया। शिव जी जान गए अहंकार आ गया है। शिव जी ने कहा, नारद मुझे कहा ठीक है, भगवान से मिलो तो ये कहना नहीं कभी जाकर उनको। और आप लोग जानते हैं, हम लोगों को जिस चीज़ के लिए मना किया जाता है वो चीज़ हम पहले करते हैं। तो शिव जी ने कहा कि भगवान के सामने बखान मत कर देना, मेरे सामने तो किया ठीक है। ना ना ठीक। तो फिर नारद मुनि भगवान से मिलने गए। भगवान ने कहा, क्या कैसा चल रहा है नारद मुनि? सब आपकी कृपा है प्रभु, सब ठीक है। अच्छा। तो नारद ने कहा कि अब नारद से रुका नहीं गया, वो बताना चाहते थे, तो भगवान भी जानते थे, तो भगवान ने पूछ ही लिया। अच्छा, कहाँ थे नारद, क्या चल रहा था? बस इतना पूछना था। नारद ने पूरा स्टोरी स्टार्टिंग से एंड एक एक डिटेल के साथ बता दिया कि कैसे मैंने परास्त किया और क्या हुआ। भगवान जान गए, थोड़ा सा अहंकार हो गया। तो खैर, फिर नारद मुनि चले वहाँ से। तो वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा बहुत सजी हुई है नगरी। तो उन्होंने पूछा, भाई क्या हुआ, ये नगरी इतनी सजी क्यों हुई है? तो उन्होंने कहा कि यहाँ स्वयंवर हो रहा है, यहाँ की जो राजकुमारी है उसका स्वयंवर हो रहा है, इसीलिए नगरी को सजा के रखा। तो नारद मुनि ने कहा, चलो जाते हैं, थोड़ा आशीर्वाद देकर आते हैं। तो नारद मुनि गए, तो उन्होंने जब राजकुमारी को देखा तो बड़े प्रभावित हो गए। ब्रह्मचारी हैं लेकिन प्रभावित हो गए नारद मुनि, और सोचने लगे कि कल इसका स्वयंवर है, तो इसका विवाह अगर मुझसे हो जाए तो कितना अच्छा है, कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। तो नारद मुनि बड़े प्रभावित हो गए। तो उसके बाद नारद मुनि ने सोचा, क्या करें, हमारे पास तो कोई संपत्ति नहीं है, हमारे पास तो कोई धन नहीं है, ये क्यों हमें स्वीकार करेगी, हम तो वैरागी हैं। तो नारद ने सोचा कि अगर मैं भगवान की सुंदरता को मांग लूं, तो फिर भगवान से सुंदर तो कोई नहीं है, तो अगर मुझे भगवान की सुंदरता प्राप्त हो जाए तो फिर ये राजकुमारी मेरे गले में वरमाला डाल देगी। तो तुरंत भगवान के सामने आ गए। भगवान ने कहा, उन्होंने स्मरण किया, भगवान प्रकट हो गए। नारद स्मरण करें, भगवान आते ही भगवान ने पूछा, क्या है, क्या बात है नारद? तो बोले, प्रभु बस आपकी कृपा चाहिए। क्या बात है, बताओ, बताओ तो सही। बोले, नहीं बस बताए, कैसे बताए कि मैं शादी करना चाहता हूँ। वो तो बोल नहीं सकते। तो उन्होंने कहा, थोड़े समय के लिए आपका सुंदरता, आप
मुझे अपने जैसा सुंदर बना दीजिए, बस ये नहीं कहा कि किस लिए क्या है, कैसे कहेंगे, भगवान तो जानते थे। तो भगवान ने कहा वही करूँगा जो तुम्हारे लिए सही है। तो नारद मुनि समझ गए कि बस अब तो कल वरमाला मेरे गले में होनी होनी, भगवान का आशीर्वाद मिल गया, अब कोई रोक नहीं सकता। तो नारद मुनि चले गए, अगले दिन सभा बैठी है, सब लोग हैं, नारद मुनि भी गए, बड़े आराम से ऐसे बैठे हैं, आनंद से देख रहे हैं, और आसपास उनके शिवजी के गण थे दो। तो उन्होंने देखा और देखा ऊपर से नीचे तक और हंसने लगे उनको देखकर। तो नारद ने सोचा शायद जल रहे हैं मुझसे, मेरी सुंदरता को देखकर। ऐसा होता है ना कभी कभी, व्यक्ति को सही दृष्टि में अपना ज्ञान नहीं होता है और वो सोचता है कि दूसरा व्यक्ति मुझसे जल रहा है। तो नारद मुनि बैठे रहे, अब राजकुमारी आई, हाथ में वरमाला है, सारे जो वहाँ पर लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अब किसके गले में वरमाला होगी। तो ऐसे धीरे धीरे चलती हुई वो आगे आ रही हैं, और जब नारद मुनि के पास आई तो स्वाभाविक है, नारद मुनि जानते थे कि गले में, मेरे ही गले में डालने वाली हैं, इतनी सुंदरता और उनको कहाँ प्राप्त होगी। तो फिर जैसे ही वो नारद मुनि के पास आई, नारद मुनि खड़े हो गए कि अब वरमाला डालनी है, और पास आई, नारद मुनि ने अपना सर झुका लिया, वो थोड़ी सी आगे चली गई। नारद मुनि देख रहे क्या हुआ, नारद मुनि को हार नहीं डाला उन्होंने और वो चली गई आगे। तो नारद मुनि एकदम आश्चर्यचकित हो गए और उनके आसपास जो गण थे वो हंसने लग गए नारद को देखकर। तो नारद मुनि को समझ नहीं आया कि हुआ कि राजकुमारी आगे कैसे चली गई। तो फिर जब देखा ये लोग हंस रहे तो उनको पूछा हंस क्यों रहे हो, तो उन्होंने कहा अपनी थोड़ी शक्ल देख कर आइए आप, तब आपको पता आए चलेगा कि क्या हुआ है। तो नारद मुनि गए, अपना शक्ल देखा उन्होंने, तो जैसे ही शक्ल देखा बड़ा क्रोध आया उनको, भगवान ने उनको वानर की शक्ल दे दी थी सुंदरता नहीं वानर की शक्ल, तो वानर को कौन हार पहनाएगी। तो बहुत क्रोध आ गया नारद मुनि को कि भगवान ने मेरी पत्नी से मुझे अलग कर दिया, पत्नी मतलब होने वाली पत्नी से अलग कर दिया। तो बहुत गुस्से में पहुंचे भगवान को श्राप देने के लिए, बड़े क्रोध में थे। तो उन्होंने भगवान से कहा आपने ऐसा क्यों किया, आपने पता नहीं ये कहा कि नहीं लेकिन शायद मन में होगा कि मेरे बसते हुए घर को उजाड़ दिया आपने, जो भी, तो आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन आपने मेरे साथ इतना बुरा किया, मैं आपको श्राप देता हूँ। नारद मुनि ने कहा मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको भी अपनी पत्नी का विरह होगा, और आपने मेरी शक्ल बंदर जैसी बनाई है, आपको केवल बंदर ही सहायता करेंगे। भगवान ने कहा तथास्तु इंतजार कर रहा था मैं इसके लिए। और फिर जब ऐसे हुआ तो भगवान ने अपनी माया शक्ति को निकाल दिया, अचानक नारद अपने होश में आ गए। नारद ने कहा ये मैंने क्या किया, आपको मैंने श्राप दे दिया, चरणों में गिर पड़े नारद मुनि की गलती हो गई, ये क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया। भगवान ने कहा सब मेरी योजना थी, चिंता मत करो, ना कोई राजकुमारी थी ना कोई राज्य था ना कोई वरमाला थी, भगवान ने केवल नारद के अहंकार को तोड़ने के लिए व्यवस्था की थी। जब अहंकार हो गया ना कि मैं बहुत बड़ा ब्रह्मचारी हूँ मुझे कुछ होता नहीं है, तो ये हमारे लिए भी अच्छा सबक है, हम लोगों को भी कभी ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम लोग बड़े स्ट्रांग ब्रह्मचारी, माया मुझे छू नहीं सकती, थप्पड़ मार कर जाएगी पता चलेगा तब। तो इसीलिए इस श्राप के कारण भगवान ने फिर राम अवतार हुआ जिसमें उनको अपनी पत्नी से विरह हुआ, सहन करना हुआ, और बंदरों ने उनकी सहायता की। तो ऐसे कई कारण हैं कि भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं। तो दशरथ महाराज, जैसे हम सब जानते हैं कि उन्होंने विवाह किए, संतानें नहीं थीं, कौशल्या से किए, कौशल्या से केवल एक पुत्री हुई, सुमित्रा से किया, फिर कैकई से करने गए। तो जब कैकई से करने गए तो उनके पिता ने एक शर्त रखी थी, कैकई के पिता ने, इसको कन्या शुल्क कहते हैं। क्षत्रियों में कई प्रकार के विवाह होते हैं और एक होता है जिसमें कन्या शुल्क दिया जाता है, मतलब जब आप विवाह कर रहे हो तो दहेज लेते नहीं हो, देते हो, अर्थात लिख कर दिया जाता है कि इस लड़की के, इस राजकुमारी के जब ये विवाह करेगी तो क्या क्या अधिकार होंगे, क्या क्या इसको प्राप्त होगा। तो कन्या शुल्क उन्होंने दिया कि इसकी जो संतान होगी वो राजा बनेगी,
ये दशरथ महाराज ने लिख कर दिया था उनके पिता, और ये बात दो ही जन जानते थे, दशरथ महाराज और कैकेयी के पिता। तो उन्होंने इसलिए लिख कर दिया क्योंकि कौशल्या से कोई संतान हुए नहीं, संतान हुई थी लेकिन शांता उसको तो उन्होंने गोद दे दिया था, कोई पुत्र था नहीं, सुमित्रा से पुत्र था नहीं, तो उन्होंने सोचा कैकेयी से ही होगा, इसको ही राजा बनाएंगे, तो उन्होंने लिख कर दे दिया था। तो खैर कोई संतान हुए नहीं, और हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि कैसे दशरथ महाराज ने यज्ञ करने की सोची सुमंत्र के कहने पर। तो अब यज्ञ की तैयारी हुई, वाल्मीकि मुनि ने पूरा एक अध्याय लिखा है केवल यज्ञ की तैयारी पर। हम लोग तो आजकल यज्ञ करते हैं, लोग यज्ञ करते हैं, कैसा यज्ञ करते हैं, वो एक किसी पंडित को बुलाते हैं, वो इतना सा यज्ञ का वो लाता है, क्या बोलते हैं वो, यज्ञ कुंड लेके थैली में डालकर ही लेकर आता है, इतना सा, पाव किलो आधा किलो घी लेते हैं हम लोग और यज्ञ कंप्लीट हो जाता है। दशरथ महाराज ने यज्ञ किया तो पूरी नगरी बसाई, एक यज्ञ के लिए पूरी नगरी बसी, राजाओं के लिए महल बने, लोगों के रहने के लिए स्थान बने, ऋषि मुनियों के रहने के लिए कुटिया बनी, क्योंकि ये सब आएंगे। जय श्री श्री गौर नटराज दयाल निताय की जय। तो ये सब आएंगे तो कहाँ रहेंगे, तो उनके रहने के लिए स्थान बने सब लोगों के लिए, और कई टन घी आया, कोई कह नहीं सकता कितना घी आया होगा, तो कई टन घी आया और बहुत बड़ी व्यवस्था। तो ऐसे यज्ञ पहले हुआ करते थे, कुरुक्षेत्र की पूरी भूमि इसको ये यज्ञ स्थली थी, इसीलिए प्रारंभ में कहा गया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता ये उत्सव, धर्म क्षेत्र है वो, तो वहाँ यज्ञ किया करते थे। तो इतने बड़े बड़े स्थानों पर यज्ञ होते थे। तो दशरथ महाराज ने बड़ा विस्तार से यज्ञ करना प्रारंभ किया, और फिर जब यज्ञ पूरा हुआ तो उस समय उन्होंने दान दिया ब्राह्मणों को। ऐसे कहते हैं कि दशरथ महाराज ने अपना पूरा राज्य दान दे दिया, उत्तर की दिशा का राज्य, पूर्व की दिशा का राज्य, पश्चिम की दिशा का राज्य, दक्षिण की दिशा का राज्य, उन्होंने पूरा राज्य दान दे दिया ब्राह्मणों को। ये बड़े महत्वपूर्ण बात है, क्यों किया? तो आप सोचिए, राजा हैं और अपना पूरा राज्य चार भागों में बांटकर दान कर दिया, और ब्राह्मणों ने उसे वापस कर दिया, महाराज हम ब्राह्मण हैं, राज्य करना आपका कार्य है। तो उन्होंने उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार किया, तो इसीलिए दान दिया था कि अब ब्राह्मणों की तरफ से आया तो अब वो प्रसाद हुआ है। तो उन्होंने दान दे दिया पूरा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताई गई है। जब हम लोग देते हैं तो देने का आनंद लेने के आनंद से कहीं अधिक होता है, देने में बहुत आनंद आता है। जैसे चैतन्य लीला में हम लोग रघुनाथ दास गोस्वामी की कथा सुनते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी जो चीड़ा दही उत्सव से संबंधित हैं, पानीहट्टी उत्सव से, तो उनको जब ये कहा गया कि तुम्हें देना है तो बड़े प्रसन्न हो गए। चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, नित्यानंद प्रभु आदेश देते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को, दधि चीड़ा भक्षण कर मोर गणे, सुनी आनंदित हैल रघुनाथ मने। तो उन्होंने कहा कि दही और चीड़ा मेरे सब भक्त जितने उनको खिलाओ, सुनी आनंदित हैला रघुनाथ मने। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए कि मुझे अब देने का अवसर मिल रहा है। तो इसीलिए ये जो देने की भावना है ये बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन कैसे देना चाहिए? जब हम देते हैं तो दो प्रकार से आनंद प्राप्त होता है, एक लेने वाले को और एक देने वाले को। इसी रामायण की कथा में आगे आएगा बहुत सुंदर प्रसंग, जब दशरथ महाराज जनक महाराज के द्वार पर खड़े होते हैं विवाह के पहले, राम और सीता के विवाह के पहले, तो बहुत सुंदर वो प्रसंग है। वहाँ भी यही याचक की भूमिका क्या होती है, ये जब हम लोग वहाँ पर आएंगे तो चर्चा करेंगे। दशरथ महाराज ने बहुत सुंदर वर्णन किया है उसका। तो देना हमें सीखना चाहिए, जितना हम देने की भावना में आएंगे उतना हम बड़ी अच्छी तरह से अपने आप को इस जगत में रख सकेंगे बिना किसी, इसको जरा लगा,
बिना किसी स्वार्थी भाव के। तो हमें देना सीखना चाहिए, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि जो हम दूसरों को देंगे वही हमारे पास वापस आएगा। हम अगर प्रेम देंगे प्रेम आएगा, घृणा देंगे घृणा आएगी, द्वेष देंगे द्वेष आएगा। तो इसीलिए दूसरों को हमें क्या देना है ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वही हमें वापस मिलने वाला है। तो इसीलिए इस चीज़ को, भक्ति का मार्ग ऐसा है कि भक्तों में हमें देने की भावना ज़्यादा होनी चाहिए, लेने से ज़्यादा हमें देना सीखना चाहिए। ज्ञान मिला है दीजिए, जो भी हमारे पास है उसको देना सीखिए। जितना हम बांटेंगे उतना बढ़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने कहा कि अरे मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया मैं खाली हो गया। ऐसा नहीं होता है, जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है। तो इसीलिए आध्यात्मिक चीज़ में हमें देना सीखना चाहिए। तो खैर, यज्ञ हुआ, पुत्रेष्टि यज्ञ, और फिर यज्ञ के अंत में, उस समय जब यज्ञ हो रहा था तो सारे देवता आए। देखिए, जब पहले यज्ञ होते थे तो देवता स्वयं आते थे अपना अपना भाग लेने के लिए। ऐसा नहीं था कि पता ही नहीं है कौन है कहाँ है बस ऐसे कह रहे हैं। तो देवता सारे आए थे, तो ब्रह्मा जी भी आए थे। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि ये सब आपकी गलती है, ये रावण इतना शक्तिशाली हो गया, अब आप कुछ कीजिए। रावण कौन था? रावण एक ब्राह्मण का पुत्र था। ब्रह्मा जी के एक पुत्र हैं पुलत्स्य ऋषि, पुलत्स्य के पुत्र हैं विश्रवा, और विश्रवा की दो पत्नियां थीं। एक उन्होंने भरद्वाज की पुत्री से विवाह किया और दूसरा कैकसी से। तो कैकसी और विश्रवा के पुत्र हुए रावण, और अन्य एक पुत्र हुए वो थे कुबेर, जो विश्रवा के और एक पुत्र कहे गए हैं। और रावण, कुंभकर्ण इत्यादि कैकसी से हुए थे। तो रावण का इतिहास ऐसे है कि जब विश्रवा इतने महान ब्राह्मण ऋषि हैं, कैकसी से उन्होंने विवाह किया, कैकसी उनके पास आई, उसने विवाह का प्रस्ताव रखा, विवाह किया, लेकिन गलत समय पर संतान उत्पत्ति के लिए अपने पति के पास गई। तो उस समय के कारण जो उत्पन्न हुए वो राक्षस उत्पन्न हुए। देखिए, हम लोग ये भागवत में भी पढ़ते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु की कथा में, गलत समय। इसीलिए समय बहुत महत्वपूर्ण है, सब चीज़ें सही समय पर करनी चाहिए। पहले नियम था कि 5 साल का बच्चा गुरुकुल चला जाता था, अभी तो 5 साल के बच्चे को तो घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। या फिर कहते 20 साल तक तो खाने खेलने की उम्र है, तो कब वो ब्रह्मचारी बनेगा और कब वो ज्ञान प्राप्त करेगा? सब कुछ सही समय पर होना चाहिए। आजकल तो ब्रह्मचारी 24-25 साल के बाद बनते, जब ब्रह्मचारी गुरुकुल समाप्त होने का समय है शास्त्र के अनुसार, तब हम लोग ब्रह्मचारी बनते हैं। तो एक डिवोटी बता रहे थे कि दरअसल ये ब्रह्मचारी आश्रम नहीं है, एडल्ट रिफॉर्मेशन सेंटर है ये। क्योंकि इतने लेट आते हैं लोग, कोई ब्रह्मचारी थोड़ी 5 साल की उम्र में आना चाहिए। तो हर चीज़ समय पर होनी चाहिए, अर्थात जब हमें अवसर पता चले, जब हमें पता चले कि भगवान को समर्पण करना, एक क्षण रुकना नहीं चाहिए। समय बहुत प्रभावशाली है, बर्बाद नहीं करना चाहिए, भगवान को समर्पण करने में देरी नहीं करनी चाहिए। हाँ, जब भी हो, ठीक है, 5 साल में नहीं हो सका, 25 साल की उम्र में हुआ, 50 साल की उम्र में भी हो, अगर पता चले तो समर्पण करना चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो हर चीज़ का समय है, भगवान ने देखिए सारी चीज़ों का समय बनाकर रखा है। आज से 100 साल बाद सूर्य कितने बजे उगेगा कोई आज ही बता सकते हैं, ये भगवान की व्यवस्था है, ये मैनेजमेंट है भगवान का। देखिए कितना अच्छा मैनेजमेंट है, हम लोग मैनेजमेंट करते हैं वो परेशान हो जाते हैं, टाइम पर ये करो टाइम पर वो, भगवान का मैनेजमेंट देखिए। आज से 100 साल बाद सूर्य कब निकलेगा वो आज बताया जा सकता है, और उसी समय निकलेगा, ये मैनेजमेंट है भगवान का।
लोग बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरु होते हैं, कहाँ कहाँ से कुछ कुछ प्रिंसिपल सीखते हैं, उनको भगवान से सीखना चाहिए मैनेजमेंट, इतना परफेक्ट मैनेजमेंट है उनका। तो सब कुछ समय पर होना चाहिए। तो फिर यहाँ अब जब भगवान ये बात कर रहे थे, भगवान भी थे उस समय, देवता भी थे, रावण की बात हो रही थी कि कैसे ये रावण इतना शक्तिशाली हो गया, तो उस समय भगवान भी थे, विष्णु भगवान भी वहाँ उपस्थित थे। तो सब देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा अभी बात कर लो, अच्छा समय है। तो ब्रह्मा जी गए भगवान से प्रार्थना की कि देखिए आप कुछ उद्धार कीजिए, रावण का वध कीजिए। तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि मानो जैसे भगवान को कुछ पता ही नहीं है। तो पूछते अच्छा रावण क्या है, इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। तो फिर रावण की इतिहास थोड़ा सा वर्णन हुआ कि कैसे, तो जब जन्म हुआ रावण का, तो रावण वैसे बुरा आदमी नहीं था। रावण को प्रोत्साहित किया गया उसके नाना अर्थात कैकसी के पिता, उन्होंने कहा देखो तुम्हारा भाई पुष्पक विमान में घूमता है, छीन लो इससे, इसको भगा दो यहाँ से, इसको परास्त करो। रावण ने कहा मैं अपने भाई से क्यों लड़ूं, मेरा भाई है वो, क्या आवश्यकता है मुझे। लेकिन बहुत बार बोलने से रावण ने फिर उनको परास्त किया, संघ का असर। रावण अच्छा व्यक्ति था, संघ के कारण बुरा हो गया। तो फिर रावण ने परास्त किया, छीन लिया। फिर उस समय वो चले गए, वैसे भी वो लोकपाल हैं कुबेर जी, ब्रह्मा जी ने उनको लोकपाल नियुक्त किया हुआ है। तो अब रावण राज्य कर रहा था, तो उसको तपस्या की, ब्रह्मा जी की गलती क्या हुई, रावण ने तपस्या की, रावण ने, विभीषण ने, कुंभकर्ण ने, सब ने तपस्या की। तपस्या करके बस शक्ति प्राप्त करनी थी, तो बहुत बहुत वर्ष तक तपस्या हो गई। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी सबसे पहले रावण के पास गए। तो रावण से कहा बताओ भाई क्या चाहिए। रावण ने कहा कुछ नहीं, बस मरना नहीं चाहता हूँ मैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कुछ और मांगो, ये तो मैं दे नहीं सकता क्योंकि मुझे खुद मरना है। तो रावण ने कहा आपके द्वारा सृष्टि किए गए किसी भी प्राणी से मैं नहीं मरूं, वानर और मनुष्य को छोड़कर। क्योंकि रावण वानर और मनुष्य को तो कुछ समझता ही नहीं था, वो सोचता था कि अगर कोई मुझे मारेगा तो देवता मारेंगे। तो कहा मनुष्यों को छोड़कर, वानर को छोड़कर, बाकी किसी से मैं मरूं नहीं। और ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु, ब्रह्मा जी सोचते नहीं हैं जब सोचना चाहिए, मतलब जब बुद्धि लगा, वैसे बुद्धि बहुत है उनके पास, लेकिन जब लगानी होती तब नहीं लगी। इसीलिए भगवान कभी कभी नाराज़ भी हो जाते, जैसे जब हिरण्यकश्यप को दे दिया, अंदर नहीं बाहर नहीं, दिन में नहीं रात में नहीं, मनुष्य से नहीं जानवर से नहीं, फिर भी भगवान ने मारा। और जब मारा तो देख रहे थे ब्रह्मा जी को, सब तुम्हारी गलती है, आंख बंद करके तथास्तु कहते देखो मेरे को कैसा मेकअप करना पड़ता है। तो आंख बंद करके दे देते ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी ने दे दिया रावण को तथास्तु। फिर आए कुंभकर्ण के पास, कुंभकर्ण बहुत शक्तिशाली था, बहुत ज़्यादा, और उसने तपस्या भी बड़ी घोर की थी। वो जब बहुत तेज धूप होती थी तो अपने चारों ओर अग्नि लगाकर बैठ जाता था तेज धूप में, और जब बड़ा ठंडा होता था तो पानी के बीच में खड़ा होकर तपस्या करता था। यानी बड़ा कठिन है, हम लोगों ने ठंड को देखा, हम लोगों ने थोड़े समय पहले यहाँ पर, तो ठंड होती थी तो हम लोग कैसे, हम लोग उस समय ठंडे पानी में खड़े होकर तपस्या नहीं करते थे, हम लोग सब यू नो सॉक्स पहनना, तो वो तपस्या कर रहा था। तो ब्रह्मा जी पहुँचे उसके पास, तो बहुत सुंदर वर्णन है कि जब ब्रह्मा जी जाने लगे तो सारे देवता आए ब्रह्मा जी के पास, उन्होंने कहा आपने रावण को दे दिया, कुंभकर्ण को मत दीजिए, बहुत शक्तिशाली है वो। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, उसने तपस्या की है। तो बोले वो अभी इतना शक्तिशाली है, जब भूख लगती है तो हम में से एक दो को खा जाता है, और अब आप उसको और आशीर्वाद देंगे। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा जी जा रहे थे तो ये लोग सब सरस्वती के पास गए कि आप ही कुछ करो, ब्रह्मा जी तो नहीं कर रहे हैं। तो सरस्वती उनकी जिह्वा पर बैठ गई जाकर। तो जब ब्रह्मा जी पहुँचे, ब्रह्मा जी ने कहा बताओ क्या चाहिए। तो कुंभकर्ण कहना चाहता था नित्यत्वम, नित्यत्वम मतलब मैं हमेशा बना रहूं। तो जैसे ही उसने कहा नित्यत्वम, तो ये मुख से निकलने से पहले यहाँ पर जिह्वा पर बैठी थी सरस्वती जी, ने थोड़ा सा मोड़ दिया तो उसके मुख से निकला निद्रत्वम, कि मैं सदा सोता रहूं।
ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, जल्दी हो जाए बहुत अच्छा है। तो फिर कुंभकर्ण ने कहा ये सब गड़बड़ है, इतने हजारों वर्ष कोई तपस्या करेगा ये वरदान लेने के लिए कि सोता रहूं मैं, तो ये चाल है देवताओं की। तो ब्रह्मा जी से कहा नहीं, मैं इसे नहीं चुका। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो दे चुका हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, बस इतना कर सकता हूँ कि थोड़ा सा उसमें अमेंडमेंट कर देता हूँ, उसमें थोड़ा बदल देता हूँ, इतना कि तुम 6 महीना सोओगे, 1 दिन के लिए उठोगे, फिर 6 महीना सो जाओगे। तो कुंभकर्ण क्या करे, उसने ही मांगा था तो उसको स्वीकार करना पड़ा। तो कुंभकर्ण 6 महीना सोता था, फिर 1 दिन के लिए उठता था, खाता था, कितना खाता होगा सोचो, फिर 6 महीना सो जाता था। लेकिन उसने सोते सोते सब ज्ञान प्राप्त किया था सूक्ष्म शरीर में। तो खैर कुंभकर्ण को आशीर्वाद दिया, फिर विभीषण के पास गए। तो विभीषण से कहा मांगो, क्या मांगना है? विभीषण ने कहा भगवान की भक्ति दीजिए। रावण ने जैसे ही सुना बोला ये असुर पैदा हो गया हमारे कुल में। अब असुरों के कुल में जो भक्ति करेगा उसको असुर कहते हैं। हिरण्यकश्यप ने भी यही कहा था ना, प्रहलाद से क्या कहा था कि ये कांटा पैदा हो गया चंदन की लकड़ी में, अपने आप को चंदन की लकड़ी और उसको कांटा। तो रावण ने कहा असुर पैदा हो गया, ये भगवान की भक्ति मांग रहा है, अरे ब्रह्मा जी आए हैं कुछ अच्छा मांगो। तो ये हुआ था। तो ब्रह्मा जी अब यज्ञ के समय भगवान से कहते हैं कि आप मनुष्य रूप में आइए, क्योंकि एक मानव ही मार सकता है इसको, अन्य को तो मैंने आशीर्वाद दे दिया कोई मार नहीं सकेंगे, तो आप प्रकट हुए। तो भगवान ने कहा ठीक है, तो चले गए। और फिर उस समय जैसे हम सब जानते हैं ब्रह्मा जी ने कहा था, तो ब्रह्मा जी ने फिर से कहा कि आप सब लोग जल्दी जल्दी जन्म लीजिए, वानरों के कुल में भगवान आएंगे तब उनकी मदद करेंगे। तो कई लोगों का जन्म हुआ। जैसे हम जानते हैं कि एक प्राणी तो पहले से थे, जाम्बवंत ये सृष्टि के पहले प्राणी हैं ब्रह्मा जी के बाद, और उन्होंने कई सृष्टियाँ देखी हैं। जाम्बवंत बड़े चिरायु हैं, तो उन्होंने बहुत कुछ देखा, कई अवतारों को देखा है, वामन अवतार को देखा है, वराह अवतार को देखा है। तो वे वहाँ पे थे जाम्बवंत जी। और अन्य लोग जिन्होंने जन्म लिया, इंद्र के अंश के रूप में जन्म हुआ वाली का, तो वाली जो थे वो इंद्र के वंश, सूर्य के अंश के रूप में जन्म हुआ सुग्रीव का, तो वाली इंद्र के पुत्र माने जाते हैं और सुग्रीव सूर्य के पुत्र माने जाते हैं। और एक शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि वायु के भी पुत्र हुए थे, आप लोग कोई जानते नहीं होंगे नाम, कोई जानते हैं? ओ बहुत बुद्धिमान हो आप लोग, ठीक है, हनुमान जी, तो वायु के वो पुत्र हुए हनुमान जी। और बृहस्पति के पुत्र हुए तारा। और एक बड़े महत्वपूर्ण हुए हैं नल और नील। ये महत्वपूर्ण क्यों हैं, कोई जानते हैं नल नील क्यों महत्वपूर्ण हैं? यस, पुल का डिजाइन उन्होंने बनाया था। ओके, और हाँ जी, हाँ तो उन्होंने क्या किया था? ओके, बहुत अच्छा। तो रामचंद्र जी ने पुल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नल नील एंटरप्राइजेस को दिया था, तो वो उधर से ही बना था, नल नील ने बनाया था। वाल्मीकि रामायण में ये वर्णन नहीं है कि पत्थरों के ऊपर राम लिखकर फेंका गया। वाल्मीकि रामायण में ये वर्णन है कि समुद्र देव ने रामचंद्र जी से कहा कि आपकी सेना में नल और नील हैं, तो उनको कहिए वो बनाएंगे, क्योंकि नल ये विश्वकर्मा के अंश हैं, विश्वकर्मा के पुत्र माने जाते हैं, और अग्नि के पुत्र नील हैं, तो इसीलिए उन्होंने कहा नल को कहिए वो बनाएंगे, तो उन्होंने बनाया था ये पेज। तो वहाँ वर्णन नहीं है वाल्मीकि रामायण में कि पत्थरों पर राम लिखा गया। तो नल और नील आए, वायु पुत्र आए, ऐसे कई लोग आए जिन्होंने जन्म लेना प्रारंभ किया। तो अब ये यज्ञ पूरा हुआ और यज्ञ से एक यज्ञ पुरुष निकले, और उनके हाथ में खीर का, पायसम का, जो भी कहिए कटोरा था। तो उन्होंने दशरथ महाराज से कहा कि ये अपनी रानियों को खिलाइए, क्योंकि ये यज्ञ से, यज्ञ का फल है, तो
तो इसीलिए इससे संतान उत्पन्न होगी। तो दशरथ महाराज बड़े प्रसन्न हुए, उसको लेकर गए, उन्होंने आधा कौशल्या को दिया और आधा कैकेयी को दिया। लेकिन क्योंकि दोनों सुमित्रा से बहुत प्रेम करती थीं, इसीलिए उन्होंने अपने हिस्से में से आधा आधा सुमित्रा को दे दिया, कौशल्या ने भी और कैकेयी ने भी। लेकिन सुमित्रा ने खाया नहीं। क्यों नहीं खाया? सुमित्रा ने सुमित्रा को दिया लेकिन सुमित्रा ने खाया नहीं। सबसे अंत में पहले देखा कि कौशल्या ने ले लिया, कैकेयी ने ले लिया, तब फिर सुमित्रा ने ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि सुमित्रा चाहती थी कि मेरी ऐसी संतान हो जो इन दोनों की संतानों की सेवा करे। तो बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, माता पिता के संस्कार संतान को प्रभावित करते हैं। तो कब से तैयारी की सुमित्रा ने? अभी तो गर्भ में नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने तैयारी कर ली कि मेरी जो संतान है ये इन दोनों की सेवा करेगी, इसलिए अंत में उन्होंने पिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई ऐसे संप्रदाय हैं जहाँ पर माता पिता संतान उत्पत्ति के लिए साथ में आने से पहले सही समय देखते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय में जो आत्मा गर्भ में आएगी वो सन्यासी बनेगी, तो पहले से उस समय से तैयारी करते हैं। ये एक बड़े गर्व की बात है माता पिता के लिए कि अगर उनकी संतान अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित कर रही है, ये बहुत बड़े गर्व सम्मान की बात है। सम्मान की बात, जगत में अगर कोई अपने माता पिता को उपहार देना चाहता है तो क्या दे सकता है? कुछ धन दे देता है, कुछ घर बना कर दे सकता है, थोड़े बहुत सुविधाएं दे सकता है, लेकिन वो मरेंगे ही और फिर से उनका जन्म होगा। केवल वो व्यक्ति जो भगवान को समर्पण कर देता है अपना जीवन, सर्वोच्च उपहार दे रहा है अपने माता पिता को। कौन सा उपहार? उनको जन्म मृत्यु से छुटकारा दिला रहा है, जो किसी जन्म में किसी पुत्र ने उनको नहीं दिया। कितना गर्व होना चाहिए माता पिता को जब संतान भगवान को जीवन समर्पित करे। ये उपहार संतान देती है, अन्य कोई उपहार इसके सामने उतना मूल्यवान नहीं है। तो इसीलिए ये गर्व, तो माता पिता, तो यहाँ देखते हैं हम लोग सुमित्रा। ज़्यादातर रामायण में सुमित्रा का वर्णन नहीं होता है। कुछ चरित्र हैं रामायण के जिनका ज़्यादा वर्णन नहीं है, लेकिन वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे सुमित्रा, किस किस भावना में उसने इसको ग्रहण किया, और आगे चलकर भी प्रसंग आएगा, अगर हम लोग वहाँ तक पहुँचे तो चर्चा करेंगे, कि जब लक्ष्मण ने निश्चय कर लिया कि मैं रामचंद्र जी के साथ जाऊँगा, लक्ष्मण को जाने के लिए नहीं कहा था कैकेयी ने, कैकेयी ने वनवास राम के लिए मांगा था, लेकिन जब लक्ष्मण ने निश्चय कर लिया कि वो जाएंगे और अपनी माँ से मिलने गए सुमित्रा से, तो सुमित्रा ने बड़े गर्व से कहा कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। उन्होंने कहा कि आज से राम तुम्हारे लिए दशरथ हैं और सीता तुम्हारे लिए सुमित्रा है, उनकी सेवा करना, कोई उनको बाधा नहीं आए सेवा में। देखिए ये माँ है। तो हम लोग कभी वो सब चर्चा नहीं करते, हमारे लिए बस रामायण में अन्य चर्चाएँ हैं, ऐसे बहुत से हैं। या फिर लक्ष्मण की पत्नी जिसने कितना बड़ा त्याग किया, सीता देवी तो रामचंद्र जी के साथ गई थी, लेकिन लक्ष्मण की पत्नी ने कितना बड़ा त्याग किया। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि सुमित्रा ने उसको अंत में लिया। तो इसीलिए माता पिता बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भागवत में कहा गया है, गुरु न सस्यात, जननी न सस्यात, पिता न सस्यात, दैवम न सस्यात, स्वजनों न सस्यात। आपको ये बनना नहीं चाहिए जब तक न मोचे, जब तक मोक्ष नहीं दिला सकते अपनी संतान को। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है माता पिता बनना, क्योंकि उनके संस्कार बच्चों को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे ये जो खीर थी ये सबको दे दी गई, और फिर सभी जो माताएं थीं वो गर्भवती हुईं। तो ऐसा वर्णन है कि 6 ऋतु तक, अर्थात 1 ऋतु 2 महीने की होती है प्राय, तो कहना चाहिए करीब 12 महीने भगवान माँ के गर्भ में रहे। तो 6 ऋतुओं तक वो गर्भ में रहे, और फिर अब उनके जन्म का समय आया जब भगवान का जन्म हुआ।
तो कल उनके जन्म की कथा को कहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी? अच्छा, आपका प्रश्न है कि भगवान इतना टाइम क्यों लेते करने के लिए, तुरंत क्यों नहीं मार देते, है ना? 14 वर्ष से पहले प्रकट हुए थे उसी समय मार देते। देखिए, भगवान चाहें तो बिना प्रकट हुए भी मार सकते थे रावण को। ऐसा तो नहीं है कि रावण को आएंगे तभी मारेंगे, तो वहीं से भी मार सकते थे। लेकिन भगवान एक कार्य से कई कार्य कर लेते हैं, एक तीर से कई निशाने लगाते हैं। तो भगवान आते हैं तो केवल इसलिए नहीं आते हैं कि वो रावण का वध करेंगे। भगवान आए तो क्या क्या कारण था रामचंद्र जी का, चलिए मान लीजिए कि केवल राम के लीला को देखा जाए, तो उनको आनंद देना था अपने भक्तों को, उनको जंगल में जाकर सारे ऋषि मुनियों को अपने दर्शन देने थे। अगर पहले ही मार देते तो रामायण खत्म हो जाती, तो वन में जाकर दर्शन देने थे। हम देखते कि जहाँ जहाँ रामचंद्र जी गए वहाँ वहाँ ऋषि मुनियों ने उनको समर्पण किया, उनको प्रणाम किया। इतना ही नहीं, ये वर्णन है कि वहाँ के ऋषि मुनियों ने रामचंद्र के प्रति इतने आकर्षित हो गए कि प्रार्थना की कि हम आपका संग करना चाहते। रामचंद्र जी ने कहा अगली बार गोपी बनना। तो कृष्ण लीला में वही ऋषि गोपी बने थे जिनको ऋषिचारी गोपियाँ कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें करनी थी, सबको दर्शन देने थे। भगवान जाते नहीं वन में तो कैसे होता। और फिर जब भगवान यहाँ आते हैं तो कुछ लीला करने आते हैं, तो उस लीला के रस को बढ़ाने के लिए, आनंद को बढ़ाने के लिए कई चीज़ें करते हैं, केवल आकर मार कर चले नहीं जाते। तो उन्होंने बहुत से कार्य किए। जैसे जब वो गए वन में तो उन्होंने निषाद राज गुह उसका उद्धार किया, उसको मित्र बनाया, या मित्र थे मगर उसका उद्धार किया। और भी हम देखेंगे भगवान जब जाएंगे वन में तो कितने सारे अन्य राक्षसों का वध किया या उद्धार किया। अभी भी जब थोड़े समय बाद विश्वामित्र मुनि के साथ जाएंगे तब भी उन्होंने कई असुरों को मारा। तो सारे कार्य करने थे। फिर हनुमान जी से भी तो मिलना था, सुग्रीव से मिलना था, बहुत कुछ था। वन में नहीं जाते तो हनुमान जी से कहाँ भेंट होती। अगर रावण को अयोध्या से ही एक मिसाइल फेंक देते वहाँ पर, फेंक सकते थे रावण, रामचंद्र जी के पास शक्ति थी, तो हनुमान जी से कहाँ मिलते, सुग्रीव से कहाँ मिलते। तो बहुत सारी लीलाएं रह जाती। ठीक है, हाँ जी, और कोई प्रश्न? वो भी सही है। कैकेयी को उन्होंने दो वचन, तो वो तो उसने बाद में मांगे ना, वो तो मांगेगी अभी बाद में। वो तो जब रामचंद्र जी को राज्याभिषेक करना था तब मांग रही है वो, तो वो तब बात आएगी। लेकिन ये तो विवाह के पहले राजा ने लिख के दिया था, दशरथ महाराज ने। हाँ जी, ओके। दशरथ महाराज, अगर हमने नहीं बताया तो हो सकता है कि दशरथ महाराज कभी कभी बोलने में बोलते बोलते कुछ चीज़ें रह जाती हैं, कुछ गलत भी हो जाता है। जैसे आज हमें किसी ने बताया कि हम जब सुबह या कल वर्णन कर रहे थे तो हमने जरासंध की जगह जयद्रथ का नाम ले लिया था, ऐसा कुछ हुआ था। तो कभी कभी हो जाता है। तो ऋषि श्रृंगी वो कैसे आए, शायद हमने कहा था कि दशरथ महाराज ने उनको फिर यज्ञ के लिए आमंत्रित किया था। जब सुमंत्र ने कहा उनको कि आप जाइए और उनको बुला कर लेकर आइए, तो शांता और ऋषि श्रृंगी को वो लेकर आए थे, फिर उन्होंने यज्ञ किया था। तो आमंत्रण दशरथ महाराज ने दिया था। रोमपाद के राज्य में रह रहे थे ना उस समय, तो वो शादी हो चुकी थी उनकी। वो तो विवाह के पहले तक जिसने किसी स्त्री को नहीं देखा, तो विवाह तो हो चुका था तब तक, तो ये तो कथा पहले की थी। तब तो जिस समय यज्ञ करना था वो विवाह हो चुका था। रोमपाद महाराज के राज्य में ऋषि श्रृंगी और शांता दोनों रह रहे थे,
तो उस समय बुला कर लाए थे। ये जो उनकी कथा है वो पहले की है, विवाह के पहले की। ठीक है, और कोई प्रश्न? प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल है ना, रघु क्यों ग्लोरीफाई इसलिए किया जा रहा है कि ये जो क्षत्रिय होते थे ये अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटते थे, तो उसके लिए अगर उनको प्राण भी देने पड़े, अगर उन्होंने वचन दे दिया कि मैं ये करूँगा, जैसे दशरथ महाराज ने कैकेयी को वचन दिए थे, तो अपने पुत्र को भी भेजना पड़ा उनको वन में, तो उन्होंने स्वीकार किया क्योंकि वचन दिए हुए हैं। तो ये इसलिए कहा गया क्योंकि जो इनका कुल था, जैसे हम कल वर्णन कर रहे थे परंपरा उनकी, अंशुमन से लेकर भगीरथ महाराज, दिलीप महाराज, खटवांग महाराज, फिर यदु इत्यादि, अज और दशरथ, तो ये इतने महान राजा हैं। तो इनकी महानता ये थी कि अगर इन्होंने वचन दे दिया, इनके कुल में ये परंपरा थी, तो फिर उससे पीछे नहीं हटते थे। तो उसको बताने के लिए तुलसीदास जी ने लिखा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।